तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली मेरे घर पर जियो फाइबर लग चुका है। अगर दोस्तों आप भी जियो फाइबर लगवाने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जियो फाइबर लगवाने के लिए आपको कैसे बुकिंग करनी है, क्या इसका इंस्टॉलेशन चार्ज होगा और मुझे कौन सा प्लान पड़ा और इसकी स्पीड कितनी आ रही है। दोस्तों फुल डिटेल्स मैं आज की वीडियो में जियो फाइबर के बारे में दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि जियो फाइबर जो हमारा है इसको लगवाने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी एक वेबसाइट है जियो की, ठीक है। इसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर जाके आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जियो की वेबसाइट ओपन होगी। वहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, बुकिंग करने के लिए वहां पर ऑप्शन आएगा गेट जियो फाइबर, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको नेम, एड्रेस और आपका फोन नंबर आपको वहां पर फिल कर देना है, ठीक है। तो एक प्रोसेस दोस्तों ये हो गया। और अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल में माई जियो ऐप का यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी जाके दोस्तों आपको गेट जियो फाइबर का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। फाइबर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद नीचे में आपको गेट जियो फाइबर का ऑप्शन आएगा। इस पर जाके दोस्तों वहां भी आपको अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर फिल कर देना है, ठीक है। जैसे आप फिल करेंगे दोस्तों, जस्ट आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको जो वहां के इंजीनियर होंगे, जो आपके लोकल आसपास के जो जियो सेंटर होगा वहां से दोस्तों आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। आपने वहां से कॉल आएगी और वो आपसे बात करेंगे कि आपने जियो फाइबर लगवाने के लिए बुकिंग किया हुआ है और आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपसे उनको बात होगी, आपसे उनको बात कर लेना है और उनका दोस्तों आपको क्या करना है, जो एड्रेस है, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे इनका सही एड्रेस, क्योंकि एड्रेस तो आपने फिल किया हुआ है लेकिन उनका लोकेशन, आपका आपका लोकेशन पूछेंगे कि लोकेशन आपका कहाँ पर है। और वो दोस्तों एक घंटा के अंदर वो एक बुकिंग करने वाला जो उसका इंजीनियर होगा उनको ये भेज देंगे, ठीक है। वो ऑफिस के आदमी रहते हैं और वो इंजीनियर ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएंगे। अब दोस्तों वो आएंगे तो आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, बुकिंग करवानी होगी जियो फाइबर की, ठीक है। तुरंत दोस्तों आपका जियो फाइबर नहीं लगेगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वो आएंगे और आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जियो फाइबर कनेक्शन लगवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना होगा। जैसे या तो आप आधार दे सकते हैं या तो DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई आपको एक लगेगा तो वो आपसे ये मांगेंगे, तो ये आप दे दीजिएगा उनको, ठीक है। जो भी आप आधार देना चाहें या ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहें, दोनों आप दे सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, दोनों देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपसे कोई एक चीज़ ही मांगा जाएगा तो उनको दोस्तों आपको दे देना है। इसके बाद वो क्या करेंगे, आपका नाम, पूरा डिटेल्स जो भी है, ठीक है, वो सारा चीज़ वो अपने मोबाइल में फिल करेंगे। सब कुछ सारा दोस्तों ये सब चीज़ ऑनलाइन होता है, कोई भी आपको फोटो कॉपी ये सब नहीं कराना है, ठीक है। और जो आपने आधार या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस दिया उसका वो फोटो खींचेंगे, एक आपका फोटो खींचेंगे। और फोटो खींचने के बाद दोस्तों आपसे 1500 रुपया लिया जाएगा, ठीक है। अब 1500 रुपया दोस्तों जो आपसे लेंगे वो आपको मैं बता दूं, वो कैश नहीं लेंगे, वो जब भी लेंगे आपसे डिजिटल में लेंगे। या तो आप उनको फोन पे कीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, इंटरनेट बैंकिंग कीजिए, जैसे भी दीजिए, लेकिन आपको डिजिटल में ही आपको पैसा उनको पेमेंट देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जियो फाइबर में दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है प्रीपेड और एक होता है पोस्टपेड, ठीक है। तो प्रीपेड में दोस्तों क्या होता है कि आप रिचार्ज कीजिए, जब तक आपका रिचार्ज है तब तक आपका वो इंटरनेट चलेगा और उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर से आपको रिचार्ज करना होगा, जैसे आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं। और पोस्टपेड में दोस्तों क्या है कि पहले आप यूज़ कीजिए, उसके बाद आपका हर महीने एक बिल आ जाएगा, उसको आपको पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों पोस्टपेड में आपको बोलूँगा कि आप पोस्टपेड मत लगवाइए, क्योंकि पोस्टपेड में दोस्तों होता क्या है कि आपने एक बार पोस्टपेड कनेक्शन ले लिया तो वो क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई महीना आप रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं फिर भी दोस्तों वो चलता रहेगा, ठीक है, और आपके हर महीने का बिल आता रहेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो उसका एक पेनल्टी, एक तरह का दोस्तों मान लीजिए कि फाइन भी आपको चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आपको पोस्टपेड लगाने के लिए नहीं बोलूँगा, आप लगाइएगा तो प्रीपेड लगाइएगा, जिसमें दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए आपके अगर मोबाइल में डेटा बचा हुआ है इंटरनेट का तो आप है तो उसको भी यूज करके और जियो फाइबर को बाद में भी रिचार्ज कर सकते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको ये सहूलियत रहेगी, ठीक है। इसलिए आप प्रीपेड कनेक्शन ही जियो फाइबर का लगवाइएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कनेक्शन लगवाने के बाद वो आपके पास सबसे पहले तो आपका बुकिंग करके चले जाएंगे, बुकिंग करने के बाद 1500 रुपया आप उसको पेमेंट कर देंगे, सारा चीज डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो मांगेंगे, उनका फोटो खींच के फिर आपको जो आधार और ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। उसका फोटो कॉपी ही आपको उसको जमा नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए जमा करने के बाद दोस्तों आप बुकिंग करके चले जाएंगे, जाने के बाद 4 से 5 घंटा के अंदर जो आपका इंस्टॉलेशन इंजीनियर है जो जियो फाइबर लगाएंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। उनके आने के बाद दोस्तों आपको जहां भी अपने रूम में जहां भी आपको जियो फाइबर लगवाना है वहां पर आप जियो फाइबर को उनको बता दीजिए कि यहां पर मुझे
इंस्टॉलेशन करवाना है तो क्या करेंगे, वो वहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि पावर कनेक्शन होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पावर कॉर्ड होना चाहिए क्योंकि दोस्तों उसको पावर भी मिलना चाहिए। ठीक है, एक एडाप्टर जैसा रहता है उनको लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों आपके जो आसपास का जो पोल होंगे, ठीक है, जो लाइट के जो पोल होते हैं उसमें एक फैट बॉक्स लगा हुआ होगा, तो वो फैट बॉक्स को भी देखेंगे कि कौन से आपके घर के नज़दीक पड़ रहा है। वहाँ से दोस्तों एक सिंगल वायर आएगा और सिंगल वायर सीधे आपके घर के अंदर एंटर करेगा और वहाँ से दोस्तों ये सीधे जियो फाइबर में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एडाप्टर लगेगा आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो है इंटरनेट है आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट आपका दोस्तों इस तरह चालू हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता कि जो आपके मेरे जो जियो फाइबर लगवाया उस बॉक्स में मुझे क्या क्या मिला। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास बॉक्स है जियो फाइबर का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या मिल गया। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों जब बॉक्स मैं ओपन करता हूँ तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि जो जियो का राउटर है वो तो आपको मिलेगा, इसी बॉक्स में रहेगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इस तरीके का आपको लैन केबल मिल जाता है। ये दोस्तों 2 से 3 मीटर का रहता है, इससे दोस्तों आप डायरेक्ट इंटरनेट मतलब जियो फाइबर में कनेक्ट करके और अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आपको जो लैन रहता है, लैन पोर्ट रहता है, उसमें डाल के आप इंटरनेट चला सकते हैं। तो ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और दोस्तों इसके साथ मुझे एक और मिला है जो केबल है, ये दोस्तों PNT केबल, जैसे लैंडलाइन केबल है, जो आपका पीछे पहले फ़ोन आते थे, ठीक है, जो वायर वाले होते थे, तो ये फ़ोन आपको अगर कनेक्शन लगाना है तो उसमें पोर्ट दिया रहता है तो उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के समय में तो ये चलता नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये दो चीज़ आपको उसमें मिलेगा और एक आपको जो राउटर है, जिसको बोलो राउटर नहीं बोलते, ONU बोलते हैं, ये दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मुझे ये जो प्लान है मैंने, ठीक है, तो जब प्लान के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब आप 1500 रुपये का यहाँ पर आप करवाते हैं, शुरू में इंस्टॉलेशन आप करवाते हैं, तो शुरू में दोस्तों आपको क्या होगा कि 150 Mbps का प्लान जो है वो आपको इसके साथ फ्री में मिलता है 1 महीने के लिए। ठीक है, तो इसको आप 150 Mbps का प्लान दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट आपका बहुत अच्छा चलेगा इंटरनेट। ठीक है, तो इसमें आपको मिलता है, तो उससे दोस्तों क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए 1 महीना आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 महीना के अंदर अगर आपको मान लीजिए जियो फाइबर पसंद नहीं आ रहा है, इसके इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं आ रही है, स्पीड सही नहीं आ रही है, बार बार कनेक्शन छूट जा रहा है, अगर ये सब प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चाहें तो इसको पूरा वापस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 महीने के अंदर मतलब 20 से 25 दिनों के अंदर में आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे कनेक्शन पसंद नहीं आ रहा है, वो पूरा का पूरा कनेक्शन आपको ले जाएंगे और जो 1500 रुपया आपका जो लगा है वो 1500 रुपया दोस्तों आपको ऑनलाइन ट्रांसफर आपके अकाउंट में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको वापस कर दिया जाता है। और अगर दोस्तों आपको पसंद आ रहा है जियो फाइबर तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 150 Mbps तक तो एकदम शुरू में 1 महीना फ्री है। ठीक है, तो 150 Mbps तो आपको बहुत अच्छा चलेगा। इसके बाद दोस्तों आपके हिसाब से जो भी आपको प्लान सुटेबल लगता है, जैसे इसमें 30 Mbps का प्लान है स्टार्टिंग जो है इसका, इसके बाद दोस्तों 100 Mbps का प्लान है, फिर 150 Mbps का प्लान है, इस तरह दोस्तों कई सारे प्लान है, तो मैं प्लान का लिस्ट आपको दे दूंगा। तो दोस्तों मैंने 30 Mbps वाला प्लान लिया है। ठीक है, और इस प्लान की जो कॉस्ट है वो है 399 प्लस GST, टोटल मिला के हो जाते हैं 470 रुपीज़। ठीक है, पर मंथ 470 रुपीज़ आपको होते हैं। तो मैंने 30 Mbps वाला प्लान लिया है। अगर इस प्लान को आप 6 महीना रिचार्ज कराते हैं, अगर 6 महीना का रिचार्ज कराते हैं 6 मंथ का, तो इसमें दोस्तों आपको क्या फ़ायदा होगा, इसमें बेनिफिट्स ये है कि आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर इसी तरह दोस्तों अगर आप 1 साल कराते हैं तो 1 साल अगर आप कराते हैं तो 1 महीना का आपको बेनिफिट फ्री में मिल जाता है। ठीक है, आपको 1 महीना तक फ्री इंटरनेट और मिल जाएगा, एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार जो भी सुटेबल है वो करा सकते हैं। अब दोस्तों प्लान का बात कर लेते हैं, जो 30 Mbps का मैंने प्लान लिया है ये दोस्तों बहुत ही अच्छा चल रहा है, मतलब 150 Mbps तो खैर अच्छा चलेगा ही, लेकिन 30 Mbps वाला भी दोस्तों बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, इसको मैं अपने वीडियो अपलोड करता हूँ YouTube में, मेरे घर में 4 मोबाइल, 2 कंप्यूटर, 1 TV इसी से चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई बफरिंग या ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, इंटरनेट काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, जियो फाइबर की सर्विस भी बहुत अच्छा लगी। और इतने दिन दोस्तों मुझे लगभग लगता है कि यहाँ पर दोस्तों मैंने 10-15 दिन मुझे हो गए। ठीक है, तो तब भी दोस्तों बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बीच में कोई कनेक्शन ये नहीं है कि छूट गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, तो अगर आप कुछ कमेंट करेंगे मुझे, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा, इसको मैं कुछ सेटिंग बताऊंगा जिससे इंटरनेट की स्पीड आपको बहुत अच्छी आएगी। और दोस्तों इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको 2 बैंड मिल जाते हैं, 2 बैंड मतलब दोस्तों इसमें आपको एक 2.4 GHz का बैंड मिल जाता है जो कि 4G जैसा काम करेगा,
और एक का आपको 5 GHz का आपको मिल जाता है बैंड, जो कि एकदम 5G के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो इसकी जो 5 GHz वाली जो रेंज है, इसकी थोड़ा रेंज कम है, एक रूम तक आपको आएगी, उसके दूसरे रूम में आपको थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन छूटेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 2.4 GHz वाला अगर आप कनेक्शन लेते हैं, मतलब ये जो आपका बैंड है वो दोस्तों काफ़ी उसका रेंज ज़्यादा होता है, वो आपको काफ़ी दूर तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब दोस्तों मान लीजिए मेरे रूम में जैसे लगा हुआ है, तो ये दोस्तों मैं 2 से 3 रूम अगर छोड़ भी दूँ तो वहाँ तक भी इसका इंटरनेट कनेक्शन मतलब रेंज आता है और काफ़ी अच्छा इंटरनेट चलता है। कभी भी जो भी मैं वीडियो देखता हूँ या वीडियो अपलोड करता हूँ, कभी भी इसमें दोस्तों कोई रुकावट या प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है। ठीक है, तो आप 30 Mbps वाला भी प्लान ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।